देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। केजरीवाल का पार्षद जनता की सेवा में अभियान के तहत बदरपुर वार्ड से निगम पार्षद मंजू राजू निर्मल द्वारा एक अभियान बीते 5 महीने से वार्ड में चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पार्षद पति राजू निर्मल रोजाना जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते नजर आए। वही एक बार फिर शनिवार को बदरपुर के गौतमपुरी में JCB मशीन द्वारा नालों की सफाई रामसिंह नेताजी के मार्गदर्शन में मंजू राजू निर्मल द्वारा कराया गया, जिसमें स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन उन्हें मिला। अरे बेकार हो गया, पार्षद जनता की सेवा में एक विशेष अभियान बदरपुर वार्ड 180 में मंजू राजू निर्मल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो राजू निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस अभियान के बारे में बात करेंगे और आने वाले समय में क्या इनके प्लान हैं वार्ड को लेकर, किस तरह से वार्ड में ये सफाई अभियान चलाएंगे, किस तरह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे और कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। सर एक विशेष अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अभियान क्या है, मेरे तो पहले दिन से ही एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक मौका दिया, आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है, वहीं श्री राम सिंह नेताजी का आशीर्वाद मिला और जनता के बीच में जाने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से पूरी जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और 7000 वोटों से पहले ही बदरपुर वार्ड का अंदर इतिहास ऐसा बना कि 7000 वोटों से यहाँ पर मंजू निर्मल जी विजयी हुई, तो उनका बड़ा आशीर्वाद मिला, इतना सहयोग मिला, पूरा प्यार मिला और पहले दिन से हम लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। और जो जनता की जो समस्याएं हैं जो पिछले 15-20 सालों से काम नहीं हो पाए हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जो सफाई अभियान हमारा है उसको हम लगातार करने की स्थिति में हैं और उस बात कर रहे हैं अपनी तरफ से। सर आज जो JCB को लेकर जो आप लोगों ने सफाई करी है, किस किस इलाके में या किस किस जगह पे इस JCB को चला के आप सफाई? देखिए हमारा प्लान ये है कि जहाँ जहाँ बड़े नाले हैं उन नालों को JCB के द्वारा सफाई करवाया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो बड़े नाले साफ नहीं होंगे तो छोटी गलियों को पानी की निकासी बनेगी नहीं। जब पानी की निकासी नहीं बनेगी तो फिर पानी पीछे रुका रहता है। तो हमने पहले भी लगातार हमारे महीने भर एक महीना करीब JCB चली थी और जो अपना मीट चौक से लेके मकवाना चौक हो, मकवाना चौक से अपना प्रधानजीवाल चौक हो, वहाँ से फिर अभी सी ब्लॉक वाला रोड हो, तो जहाँ जहाँ मेन मेन नाले हैं लगभग आप मैं बताऊँ महेंद्र जी आपको लगभग 70-80 ट्रक MCD के मिट्टी उठ के जा चुकी है, मलबा उठ के जा चुका है और अभी दोबारा से हमने अभियान चालू किया है। हम स्टेप बाई स्टेप उसको चालू करेंगे क्योंकि कुछ समस्याएँ सिलेबों को लेकर आ रही थी हमें, तो सलेबों का भी काम हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा और लगातार हम JCB जब से जैसे चलेगी तो काम होगा, तो गलियों का पानी अपने आप नालों के अंदर आ जाएगा और अच्छे से पानी चलेगा, पानी भरा समस्या नहीं होगी। जैसे कि जिस तरह से मलबा यहाँ पे गौतमपुरी के अंदर आज निकला है और इससे पहले भी जो आपने सफाई करवाई थी JCB से उससे निकला, उसको देखते हुए तो ये लगता है जैसे कि हेमचंद गोयल 2007 में पार्षद रहे हैं, उसके बाद फूलकली नारवाल जी रहे हैं, तरवन कुमार जी रहे हैं, इसका मतलब किसी पार्षद ने बड़े नालों की ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए ये मैं ये जो विषय है, अगर जनता का हमें तो काम करना है और जनता का आप जितना भी पुराना समय हो, मतलब हो सकता है कि उनके तरफ ध्यान नहीं गया हो, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ है और हमें जनता काम करना है और सफाई अभियान लेके और सफाई व्यवस्था जो अच्छी दुरुस्त हो जनता के लिए। मैं किसी दोस्त देने नहीं बैठा कि कौन किसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हमने जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, हमें जो वार्ड जनता ने जिम्मेदारी दी है उसके लिए हम लगातार काम करेंगे, प्रयास करेंगे और सभी लोग अपने अपने अच्छा करने काम करते हैं, तो हमारे प्रयास को और उसको अच्छा बेहतर करें और जनता के जो समस्याएं को सुलझाएं। और मेरा विशेष निवेदन जनता से ये भी रहता है कि सफाई व्यवस्था को लेकर, क्योंकि सारा काम पार्षद के ऊपर भी नहीं होता है, कुछ जनता के सहयोग से भी मैं अपील करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक वो कई बार जो कूड़ा जो झाड़ू लगता है तो कई बार कूड़ा नालियों के अंदर कर दिया जाता है, कुछ अपना कोई चीज़ अपना घर का कूड़ा होता है कई बार वो नाली में डाल दिया जाता है, तो मैं जनता से विशेष अपील करूँगा कि इसके लिए कि वो कूड़ा
नालियों के अंदर या नालों के अंदर न डालें और वो अपने जहाँ चिन्हित स्थान है उसको अंदर ही डालें, जिससे कि सफाई व्यवस्था और अच्छी हो सके। राजू निर्मल जी एक चीज़ बताइए, आप मंजू राजू निर्मल जो है वार्ड नंबर 180 से निगम पार्षद बनी है, फोकस देखा जा रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ गौतमपुरी फेस वन फेस टू, यानी गौतमपुरी के अंदर ही आपका फेसबुक फोकस है। आपको तो बुधविहार से भी वोटें मिली थी, आपको बदरपुर गांव से भी मिली थी, बदरपुर मेन से भी मिली थी, ताजपुर पहाड़ी से भी मिली थी, फिर वहाँ पर आपकी तरफ से सफाई व्यवस्था दुरुस्त। देखिए मैं आप ये नहीं कह सकते कि गौतमपुरी में ही, गौतमपुरी के अलावा आप कहीं भी चले जाइए, आप सफाई व्यवस्था जाके देखें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था की कमी है तो आप हमसे कहने के हकदार हैं और हम आपकी बात को मानेंगे भी। आप बदरपुर वार्ड के अंदर चले जाइए, चाहे वो ताजपुर पहाड़ी हो, चाहे वो मोहन बाबा नगर हो, चाहे वो बुद्धविहार हो, चाहे वो बदरपुर गांव हो हमारा, चाहे वो ताजपुर गांव हो और चाहे वो गौतमपुरी हो, कहीं पे भी आप बड़े नाले जो हैं, जो बड़े जितने भी नाले हैं वो ज़्यादातर गौतमपुरी के अंदर हैं, बाकी छोटी छोटी गलियाँ हैं। हमें जहाँ लगता है कि जहाँ बड़े नाले हैं और जहाँ जैसे सफाई करवानी है हमें, हम वहाँ भी लगेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप जो हमारा अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फेस स्टार्ट हुआ है, सेकेंड स्टेप बाई स्टेप हम काम करेंगे। चाहे वो बदरपुर गांव हमारा हो, जैसे बड़े नाले कहीं सफाई करवाने हमें तो वहाँ पे हम करेंगे, ताजपुर पहाड़ी हो या मोहन बाबा नगर हो, बुद्ध विहार हो या ताजपुर गांव हो, जहाँ भी हमें हमारे पास ये शिकायतें आती जाती हैं उनको हम स्टेप बाई स्टेप उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राजू निर्मल जी, एक गुटबाजी होती है जो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देती है और आपस के भाईचारे को तोड़ने का काम करती है, तो ऐसा ही गुटबाजी बदरपुर वार्ड के अंदर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि गुटबाजी चल रही है, तो ऐसे में आप लोगों के काम करने के रास्तों में कोई रुकावट? नहीं नहीं, ऐसी हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है, विधानसभा के अंदर, बदरपुर वार्ड के अंदर भी। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी नेताजी के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं और लगातार हमारा काम जो है जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। हम पहले दिन से ही लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिला तो हमें काम करने के लिए मिला, हम काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया, यानी कि 2015 से 8 साल आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, 8 साल के अधिकार जो आपको मिले 8 दिन में एक अध्यादेश ने उन अधिकारों को वापस ले लिया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये केंद्र सरकार का जो रवैया है वो तानाशाहीपूर्ण है, मोदी जी का रवैया है वो तानाशाहीपूर्ण है। आज आप किसी भी स्टेट की सरकार देख लीजिए, हम मानते हैं कि अगर आदरणीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया और 5 जजों की फैसला दिया वो, तो अगर केंद्र सरकार के हित में फैसला नहीं आया तो वो अध्यादेश लाएंगे, बदल लेंगे, ऐसा और भी स्टेट कर सकते हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर, जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, किसी और के लिए काम तो कर नहीं रहे हैं। बस दिल्ली के अगर कोई अधिकारी जो काम नहीं सुनेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी कम से कहते हो बदल कर तो लगा सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहते कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को ठप्पी किया जाए, उनके कामों को रोका जाए, इसलिए वो लगातार अरविंद केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी कड़ी में जैसे चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे हमारे सत्येंद्र जैन जी हों, उन्होंने इनको एक उनका हौसला तोड़ने के लिए उनको अंदर जेल के अंदर भेजा। आज घोटाले का आरोप उन पर साबित हुआ क्या आज तक? क्या उन्होंने इतनी रेड सीबीआई ने ईडी ने मारी, क्या उन पर एक सबूत मिल पाया उनको एक? लेकिन नहीं, उनको अंदर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उनका तानाशाहीपूर्ण रवैया है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन देश और से बढ़कर कोई चीज़ें नहीं होती हैं और संविधान जो है संविधान से द्वारा चीज़ चलनी चाहिए। तो हमारा मानना एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी के ना हौसले टूटे हैं ना टूटेंगे, उनके कार्यकर्ता के भी हौसले नहीं टूटे हैं और वो लगातार यादस्थिति में बने हुए, लगातार हमारी रामलीला मैदान के अंदर 11 तारीख को एक बहुत बड़ी एक आयोजन होने जा रहा है, सभा के लिए होने जा रही है, जनसभा होने जा रही है, उसमें आप पूरी दिल्ली के लोग उसमें जुटेंगे, कार्यकर्ता लोग आएंगे, तो आप जनता देख लेना पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल साथ खड़ी है। और अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे इरादे हैं वो अड़िग्य हैं और उन पर आम आदमी जो दिल्ली की जो जनता है उनको बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है। सर, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से अपने हक की लड़ाई, अपने इंसाफ के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना? देखिए कि मोदी जी का ये नारा था, केंद्र सरकार का नारा था, बीजेपी की झारखंड जनता का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो नारा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है और इन्होंने
जो देश का जिन्होंने बेटी जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त की, ऐसी आज बेटियों को आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज़ें कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो कि खुलेआम खिलाड़ियों के बारे में अपशब्द बोलता है, उनको चुनौतियाँ देता है और उसको एफ आई आर दर्ज हो जाती है, पोस्को एक्ट में एफ आई आर दर्ज हो जाती है, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कौन बचा रहा है उसको? बीजेपी बचा रही है, मोदी जी बचा रही है उसको, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है उसको, उसके पीछे लगी हुई भारतीय जनता पार्टी। आज आप ये बताइए, पोस्को एक्ट के अंदर एफ आई आर दर्ज हो जाती है और सबसे पहले उसके अंदर गिरफ्तारी होती है, फिर पूछताछ हो चुकी है उसके अंदर। आज दिल्ली पुलिस क्यों काम नहीं कर रही, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही उनकी? आज मोदी जी क्यों अपने सांसद को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? आप ऐसे अनेक उदाहरण देख लीजिए जिसके अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सेंगर जी हों, चाहे वो और मतलब टेनी जी हों जिन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर गाड़ी चला दी थी, कई लोग उसके अंदर मारे गए थे, आज क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी जो है तानाशाही पर चली हुई है, तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है। और हम ये कहना चाहते हैं आज बेटी तो देश की जिन्होंने बेटियों ने मान बढ़ाया, ये बहुत चिंताजनक बात है, बहुत ही अपमानित बात है देश के लिए भी कि उन बेटियों को आज सम्मान नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब कौन देगा न्याय उनको? अब कहते हैं बेटी सरकार उनके तानाशाहीपूर्ण जो रवैया है जिस प्रकार से है, वो उनकी बेटियों तक न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं है और न वो देना चाहते ना करना चाहते, लेकिन देश की जनता उनके साथ में है, बेटियों के साथ में, हमारा पूरा समर्थन सपोर्ट उनके साथ में है और हम जल्दी हम एक ये कहेंगे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए और उनको जेल के अंदर पहुँचाया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे अपने वार्ड के लिए और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये कहते हैं कि मेरा जनता से विशेष निवेदन है कि आप सब लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से ही हम चीज़ें बनी हैं और आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम चलेंगे आगे। और कहीं कहीं कोई मैं तो एक विशेष निवेदन भी करता हूँ कई बार कि आपका जो हमारा दो कार्यालय हैं सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक गौतमपुरी के अंदर बैठते हैं, वो भी नेताजी कार्यालय हैं, और सुबह 11:30 के बजे बाद में और 1:30 बजे तक आदरणीय बदरपुर नेताजी का जो ऑफिस है बदरपुर के अंदर उसके अंदर हम बैठते हैं। आप जनता की जो भी समस्याएं आप हमारे पास में आएँ और हम पूरा काम करने की कोशिश करते हैं और पूरा काम करेंगे।